मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसआर डायरीज। तो आज हम जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के दूसरे फॉरेस्ट रिजर्व, दैट इज़ बारनवापारा। और वहाँ अट्रैक्शन जो भी है वो तो वाइल्ड लाइफ ही है, और लगभग बिलासपुर से 110 किलोमीटर पड़ता है, NS-130 पे है ये। और हम लोग का रूट होगा मस्तूरी मल्हार वाला, हम लोग उसी वाया उसी रूट जाएंगे, और वो काफ़ी अच्छा रोड भी अच्छा है। मैं फर्स्ट टाइम उस जगह जा रहा हूँ, मैं आज से पहले कभी नहीं गया, तो देखते हैं वहाँ एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। बस उम्मीद है कि अच्छा रहे। और इसको बोलते हैं हम सिपत चौक, ये है प्रताप चौक बिलासपुर का, यहाँ से लेना है लेफ्ट। तो सुसु ब्रेक से थोड़ी देर रुके, और लगभग हम लोग 70 किलोमीटर दूर हैं बारनवापारा से। बबुआ को बोल रहा हूँ कि देखिए ज़रा गूगल मैप में, तो वो विश्वास नेता हो गए हैं, वो भी अब आश्वासन ही दे रहे हैं मेरे को झूठा झूठा। तो वो देखेंगे, फिर हम आगे निकलेंगे। रास्ता काफ़ी अच्छा है, मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में, ठंड भी है तो काफ़ी मज़ा आ रहा है चलाने में। और आगे जो भी होगा मैं दिखाता रहूँगा आप लोगों को, तब तक बने रहिए मेरे साथ में। दोस्तों ये है मल्हार जाने का मेन गेट, इससे अंदर जाने पे पुरानी मंदिर और नए मंदिर दोनों मिलेगी आपको, लेकिन हमको यहाँ से राइट लेना है। रुको रुको, महानदी है ये तो? नहीं, ये बड़ा सूर्यनारायण आ गए हैं क्या हम लोग? नहीं है सूर्यनारायण ना, ये महानदी जाती है ना यार, इधर मिलता है ना महानदी, इधर सिरपुर तरफ से आ रही है ना। सिरीनारायण भी तो सेम ऐसी ब्रिज है। हाँ ब्रिज है, लेकिन फर्क है वो लावन वाला ब्रिज है। दोस्तों तो ये है महानदी पे बना हुआ ब्रिज, जो थोड़ी देर के लिए मुझे कंफ्यूज कर दिया था कि मैं सिरीनारायण आ गया हूँ क्या करके। और ये महानदी का दूसरा पुल जिसपे रचित भाई और हम, और ये थोड़ा सूखा हुआ दिख रहा है लेकिन विशाल है, ये भी काफी खूबसूरत है। मस्त बड़े और समोसे खाने के बाद अब चल रहे हैं मैं वापस सूरज होटल। कभी आइए तो जरूर खाइए यहाँ, क्यों रचित भाई अच्छा था ना टेस्ट? हाँ टेस्ट बढ़िया था। तो हम लोग हैं 22 किलोमीटर दूर केवल बारनवापारा से। फोटोज खींचूंगा मैं बहुत सारे, वो आखिरी में डालूंगा, तो आखिरी तक देखना मेरा वीडियो। और वैसे भी इसको ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, जलप्रपात है, जलप्रपात 1 किलोमीटर में, चलो एक बार देख के आया जाए। चलो रशीद भाई देख के आते हैं। ये है दोस्तों सिद्धखोल जलप्रपात, चलो देख के आया जाए। बात करने पता चला कि है ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, और वो बता रहे हैं कि वो थोड़ा ही पानी है जलप्रपात में, तो देखना है कि कितना बड़ा जलप्रपात देखा जाए। दोस्तों थोड़ा सा गाड़ी तो उतर गए, ये मंदिर है, ये अननोन जगह हो गया एक्सप्लोर हम वहाँ से। सामने वॉच टावर है, ये वाटरफॉल है ये, लेकिन अभी सूखा हुआ है, तो बारिश में आएंगे दोस्तों तो दिखेगा, ये फिलहाल अभी तो सूखा हुआ है। चलिए रचित भाई आगे से चल के देखते हैं। हाँ हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एसआर डायरीज। तो बारनवापारा जाते जाते हम ये कहाँ पहुँच गए हैं, ये हम जहाँ पहुँचे हैं उसके बारे में बताएंगे मेरे दोस्त मेरे मित्र रचित भाई। तो रचित भाई हम कहाँ पहुँचे हैं? तो फ्रेंड्स अभी हम पहुँचे हैं बारनवापारा, बारनवापारा जाने वाले रास्ते में है ये, यह है सोनमुड़ा वाटरफॉल जो कि बहुत ही सुंदर है। या आप पिथौरा वाले रास्ते पर जाएंगे तो पिथौरा वाले रास्ते से मेन रोड से जस्ट 1 किलोमीटर लेफ्ट लेंगे, तो लेफ्ट लेने के बाद ये आएगा आपका सोनमुड़ा वाटरफॉल, बहुत ही शानदार जगह है, बहुत ही शांत है, तो
तो जब भी आप जाएंगे बारनवापारा इस जगह पे जरूर आइए। और अपन लोग ऊपर का व्यू दिखाते हैं। और भी जानकारी चाहिए होगी तो रचित भाई का चैनल है, रचित भाई के चैनल का नाम है राइडर रचित, तो उसमें जाइएगा। जो हम दोनों एक साथ ही क्रूज़ करते हैं जनरली, और बस्तर भी मैं इनके साथ में गया था, तो बस्तर का वीडियो इनके में देख सकते हैं। और ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, और आपको मैं इधर का व्यू दिखाता हूँ ताकि आप मेरे चैनल की वजह इसका व्यू भी देखें। शानदार व्यू है, जो बड़ा खूबसूरत व्यू है। वाटरफॉल यहाँ से आप देख सकते हो, थोड़ा सा दिख रहा है पानी बहता हुआ, बहुत तो नहीं है वाटरफॉल। आधे घंटे बिताने के बाद अब सवारी चलेगी नीचे और निकलेगी बारनवापारा के लिए। तो चलते हैं, प्रस्थान करें गंतव्य स्थान की ओर। यहाँ की सीढ़ियाँ ठीक है भाई, वहाँ की सीढ़ियाँ बहुत पतली पतली थी, हमारे जैसे आदमी की हालत ख़राब कर दी थी वहाँ की सीढ़ियों ने। यहाँ की सीढ़ियाँ ठीक है। तो भैया बने रहना हमने आ रहे साथ में बिलाग, और देखना आगे और है अभी और आने वाला है। तो करो अपनी गाड़ी ऑन। तो अब तो हम होते हुए रिटर्न यहाँ से, बब्बुआ भाग गए हमसे पहले पहले। हम बब्बुआ को कैच करूँगा, हम कैच करूँगा बब्बुआ को, हम ना छोड़ू। अब बबुआ कहाँ गए, भाग दूँ। बबुआ रुके हुए हैं मेरे लिए। क्या देख रहे बबुआ, कहाँ हो गया, कुछ घुस गया का है? नहीं, चलो तो जावत है हम बबुआ के साथ। अब यहाँ से लेंगे राइट वा टर्न ना बबुआ? राइट टर्न लेके हम अभी जा रहे हैं अपने लक्ष्य जो की है बारनवापारा। अरे ये तो फिर से बंदवा कर दिया है बबुआ, ये बाजू से ना निकल पाएगा। हाँ जैसे भैया रात को अपन लोग आने जाएंगे तो परमिशन लेके आना पड़ेगा रुकने के लिए यहाँ? तो यहाँ कैंप वैम्प करना अलाउ नहीं है रात को ना? रात को नहीं है सर, कुछ भी अलाउ नहीं है। परमिशन लेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से तब भी नहीं रहेगा? परमिशन ले सकते हैं लेकिन यहाँ पे रात के। अच्छा व्यवस्था नहीं है, कुछ भी बोल दो। हाँ वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है भैया, क्या नाम बोलते भैया आप अपना? मेरा हाँ ठीक है भैया। बहुत ही सीधे और सरल लोग हैं, और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि यहाँ पर कैंपिंग अलाउ नहीं है, पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेने के बाद आप बिल्कुल आ सकते हैं ना रशीद भाई? बिल्कुल। तो रशीद भाई और मैं आएंगे और ये है बलार जलाशय, देख के आ रहे हैं हम दोनों, और अंदर जाके मैं दिखाता हूँ। तब तक रास्ते में ट्यून रही है। क्या नाम है जलाशय? भैया बलार जलाशय आगे है रोड के, ऐसे है रोड पूरा। तो हम करीब पहुंच गए हैं बलार जलाशय के, और उसकी ठंडकता महसूस हो रही है। थोड़ा सा रोड पैची नहीं बोलेंगे, ऑफ रोड ही है ये, काफ़ी कार से भी आ सकते हैं, थोड़ा सा कार वो रहना चाहिए, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा रहना चाहिए। बाकी मन ने मारी हिमालयन तो बनी है इसी रोड के वास्ते, और बबुआ बने हैं इसके वास्ते, तो चला ले रहे हो क्लासिक को। अब ये हम नीचे उतरेंगे यहाँ से, और काफ़ी बड़ा जलाशय लग रहा है यहाँ से तो। और रचित भाई बताइए आपको क्या अनुभव हो रहा है? नहीं संदीप भाई, वो तो काफी है, तो मेरे को लगभग छोटा बांगो लग रहा है। तो दोस्तों अब जो आप दिखोगे उस जलाशय का नाम बोलेंगे मेरे दोस्त रचित भाई। तो रचित भाई क्या नाम है जलाशय का बताएंगे? तो दोस्तों ये है बलार जलाशय, ये आपके बारनवापारा वाले रूट में है ये। यस, पिथौरा वाला रास्ता ही बारनवापारा होते हुए जाता है, जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले आपको वाटरफॉल दिखाया, जो वाटरफॉल नहीं था सॉरी, उसी वाले रास्ते में है ये। काफ़ी खूबसूरत है ये, चारों तरफ देखेंगे। और इधर खड़े हैं हमारे बबुआ अपने गड्डिया के साथ में, और ये हमारी गाड़ी। तो बहुत धूप है यहाँ पर, कुछ है नहीं, तो बबुआ और हम दोनों बोल भी रहे हैं कि चलते हैं करके। जैसे ये सीन देख रहे होगे आप, काफ़ी सुंदर है ये।
बताओ रशीद भाई, शाम को आना था हम लोग के यहाँ, शाम को आते ना तो मस्त रहता ये। पंद्रह मिनट रुकने के बाद रशीद भाई और मैं चल पड़े हैं। कहाँ हो गया जी? हेलो, कहाँ हो गया था? अपन भी वीडियो शूट कर लेते हैं ना। हाँ, ये रास्ते से आते ना? हाँ। रास्तों को पहचानने में मैं थोड़ा सा कच्चा हूँ और थोड़ा अभी बच्चा हूँ। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं बारनावापारा। ये बायसन द्वार है जैसे देख रहे हैं, जंगली हाथी विचरण क्षेत्र है ये। तो दोस्तों, ये बारनावापारा के एंट्री लिया हमने बैरियर से। तो दोस्तों, ये वेबसाइट है अगर हम लोग होटल बुक करना है तो ये, और पॉज करके आप ये देख सकते हो कि पूरा इसके बारे में कितना चार्जेस पड़ेंगे आपको दिखेगा। मैं आगे जाके दिखा देता हूँ। प्रति बेड डॉर्मेट्री अगर लेंगे तो कितना पड़ेगा, आप पॉज करके देख लो ये। और एक नवंबर से स्टार्ट रहेगा 8 महीने के लिए, जैसे भाई साहब ने हमें बताया। ओके, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मिलते हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है। चलिए चलिए, मिलते हैं। नंबर तो है, मैं हाँ, मेरे को आप कॉल कर ही दीजिएगा, मैं सेव कर लूंगा और मैं छत्तीसगढ़ डायरीज में डालूंगा, यूट्यूब में डालूंगा, तो मैं बता भी दूंगा। ये रिकॉर्ड भी किया हूँ मैं आपका। हो रहा है बातचीत एकदम मस्त, ठीक है, देखिएगा। ओके, चलिए रचित भाई। तो ओम प्रकाश यादव जी ने बहुत सारी और बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, बहुत जानकारी दी, बहुत आराम से दी। और मैं इसी की बात करता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोग बहुत सीधे और सरल हैं, आपको सारी चीज़ें एकदम सही सही बताते हैं। बारनावापारा 8 किलोमीटर है लगभग, और हम लोग अभी भी जंगल पे पीछे बीच हैं। यहाँ पर मेनली जानवर में बताया गया है कि बायसन, मोर और बार्किंग डियर और लेपर्ड और काला हिरण भी अभी लाया गया है, बता रहा था वो मुझे तो। लेकिन ये 1 नवंबर से स्टार्ट होगा, अभी केवल हम एक सरसरी घूमने आए हैं, अगली बार पूरा प्लान बना के 2 दिन का आएंगे। तो फिर और अच्छे से एक्सप्लोर करके और अच्छे से बता पाऊंगा मैं। बाकी काफ़ी सुंदर है ये जगह। एक बीच में जलाशय है, 2 किलोमीटर है यहाँ से मात्र। बारनावापारा बहुत ही शांत इलाका लग रहा है अभी तक तो। मेन ये है बारनावापारा का गेट। सर, जब ये मेन एंट्रेंस कौन सा है सर इधर का? क्या मेन एंट्रेंस कौन सा है बारनावापारा जाने का? यही है रहने के लिए। अच्छा, मतलब जब जिप्सी आती तो यहीं से बुक होता है सर?
ओके फिर अंदर जाते हैं। ओके हाँ एक ना वो बताया हो तो गेट पे हम अंदर देख के तो आते हैं एटलीस्ट। हेलो दोस्तों, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बारनवापारा। जैसे कि मालूम चला यहाँ ऑफिसर से बताया हमें कि अभी बंद है और ये खुलेगा 1 नवंबर से 30 जून तक, 8 महीने के लिए खुलता है ये। और जिप्सी के चार्जेस यहाँ पर 1400 हैं। और ये पीछे आप मेरे दिख रहे हो ये कॉटेज है, गवर्नमेंट कॉटेज है, इसको आप आगे भी बुक कर सकते हो और ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। www.lepa.com है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इसका वेबसाइट, जो भी आप वहाँ से बुक करा सकते हैं। और मैं थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूँगा इस जगह के बारे में। इसका जो क्षेत्रफल है 244.66 किलोमीटर पे है। और यहाँ से जो दूरी देखेंगे तो ये देख सकते हो आप, ये दूरी है बिलासपुर 130 किलोमीटर है और रायपुर सबसे नज़दीक है 100 किलोमीटर पे और महासमुंद 55। बाकी सब स्टेशन से मेन अगर एयरपोर्ट देखेंगे तो रायपुर एयरपोर्ट सबसे नज़दीक ही है, 100 किलोमीटर है और बिलासपुर 130। और ये काफ़ी अच्छा डेवलप गार्डन है, अभी से स्टार्ट हुआ है ये, जैसा देख पा रहे हो। और काफ़ी खूबसूरत जगह है, मुझे अच्छा लग भी रहा है मौसम। हम 2 दिन जल्दी आ गए, 2 से 3 दिन, और अगली बार कोशिश करेंगे रचित भाई और मैं 2 या 3 दिन के लिए आएँ और अंदर सफारी में भी जाएंगे। यहाँ जिप्सी की कमी नहीं रहती जैसे इसने बताया, और 1400 रुपये अभी है तो बहुत नॉमिनल चार्ज है अस कम्पेयर टू अदर, जो भी मैं अभी गया हूँ फॉरेस्ट रिजर्व जिम कॉर्बेट भी गया था वो भी काफ़ी कॉस्टली था, तो ये काफ़ी सस्ता है। और रूम के भी चार्जेस ज़्यादा महंगे नहीं हैं, मैं इसका स्क्रीनशॉट डाल दूँगा आखिरी में, डिस्क्रिप्शन में भी डालूँगा पूरा, आप देख लीजिएगा। और बाकी बस और तो कुछ है नहीं, तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ में, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। साइनिंग ऑफ संदीप राठौर।